कोरोना टीकाकरण में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें एक व्यक्ति को पहली खुराक कोविशील्ड की तो दूसरी खुराक कोवैक्सीन की लगा दी गई। अब अलग अलग टीके लगने के बाद कई लोगों ने हंगामा कर दिया। वहीं अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह से टीका लगाना सही है या नहीं। इस पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि एक व्यक्ति को पहली खुराक दूसरे टीके की और दूसरी खुराक किसी और टीके की लगाना वैज्ञानिक और सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन इसकी सिफारिश करना अभी ठीक नहीं है क्योंकि यह स्थिति अभी विकसित हो रही है। अभी इसके बारे में पुख्ता प्रमाण नहीं है और आने वाले समय में यह पता चल सकेगा। उधर देश में कुछ ही हफ्तों में कोरोना की रोकथाम को लेकर एक बड़ा ट्रायल शुरू होने जा रहा है। वैक्सीन पर नीति आयोग के डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया कि देश में जल्द ही कोविड वैक्सीन की दो अलग अलग खुराकों को एक साथ मिलाकर परीक्षण किया जाएगा। अभी पिछले कुछ दिनों में ये खबर आई कि कुछ प्रदेशों में एक डोज एक पर्टिकुलर वैक्सीन की लगाई गई और दूसरी डोज दूसरी वैक्सीन की लगा दी गई। ये एक प्रोग्रामेटिक एरर है जो बहुत ज्यादा लेवल पे तो नहीं हुई है, लेकिन करीब करीब सभी जगह थोड़े बहुत हुए हैं, बट ये ज्यादा ऐसा नहीं है कि हजारों में इस तरीके से है। जो अभी तक हमें समाचार मिला है वो 100 से कम इस तरीके का है। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले ये आश्वस्त होने की जरूरत है कि ये देखा गया है कि दो अलग अलग वैक्सीन की डोज लग जाने से कोई सुरक्षा में कोई परेशानी नहीं है, कोई एडवर्स इवेंट्स हो रहे हो या वैक्सीन की सुरक्षित होने में कोई कमी हो वैसा नहीं है। लेकिन ये प्रोग्राम एरर है और इसमें जो चिकित्सा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको बता दिया गया है कि इस तरह की गलती आगे ना हो। यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि कोविन ऐप की वजह से हम लोग ये इंश्योर हुआ है कि इस तरह की प्रोग्राम एरर बहुत कम हो। दूसरी चीज एक ये है कि कुछ प्रदेशों में खासतौर पर कर्नाटक में ये देखा कि स्वास्थ्यकर्मी दो के बाद कोई दो वैक्सीन की एक वैक्सीन की दो डोज लगवाने के बाद एक तीसरी डोज भी लगवाने के लिए उत्साहित रहे हैं, उन्होंने लगवाने की कोशिश की है। और इसमें मुख्य उद्देश्य लोगों का रहा कि भाई इससे शायद उनकी प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाएगी। वैक्सीन के द्वारा जो कोरोना के प्रति बचाव का जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी, लेकिन ये शायद सही नहीं है। इसके लिए प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज करने की ज़रूरत है और इस बारे में डिफरेंट लेवल्स पे सोच चल रही है कि शीघ्र ही इस तरह की स्टडीज करनी चाहिए। इनको इंटरचेंजेबिलिटी स्टडीज बोलते हैं कि एक पहली डोज एक वैक्सीन की लग गई और दूसरी डोज दूसरी वैक्सीन की लगाई गई। डॉक्टर एन के अरोड़ा ने बताया कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक जुलाई के अंत तक प्रतिमाह अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की 10-12 करोड़ डोज का उत्पादन करने लगेगी। इस तरह देश में निर्मित कोरोना वैक्सीन का उत्पादन अगस्त तक करीब 25 करोड़ डोज प्रतिमाह होने की संभावना है।